इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के एक क्वेश्चन की तरफ। सो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है, प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट फॉर ईच डिवीजन डिटेलिंग सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, शोइंग एक्सटर्नल सेल्स एंड इंटर डिविजनल ट्रांसफर सेपरेटली वेयर अप्रोप्रिएट। और उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम फॉर डिवीजन सी एंड डिवीजन डी। Question say that CD is a producer of soft drink. The company has two division, division C and division D. Division C manufactures metal cans that are sold to division D and also to external consumers. So C के पास option है कि वो division D को भी बेच सकता है और external भी बेच सकता है. D soft drink produce करता है और external customer को sell करता है. CD is relatively a new company. Its objective is to grow internationally and challenge the global market. CD aims to build its brand based on distinct taste of its soft drink. Division C की हमारे पास information available है. Division C की selling price per 1000 can है $130. वेरिएबल कॉस्ट एक कैन को बनाने की है 0.04, फिक्स कॉस्ट टोटल है 2.4 मिलियन, नेट एसेट्स हैं 4 मिलियन। अच्छा जी, प्रोडक्शन कैपेसिटी टोटल इसकी है 40 मिलियन कैन्स बनाने की, एक्सटर्नल डिमांड है 38,000 कैन, डिमांड फॉर डिवीजन डी है 20,000 कैन। तो अगर ये आउट ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी 40,000 अगर ये डिमांड मीट करता है डिवीजन डी की 20,000, तो अल्टीमेटली ये आउटसाइडर को सिर्फ कितना सेल कर पाएगा, ये आउटसाइडर को सिर्फ 20,000 सेल कर पाएगा, 18,000 सेल नहीं कर पाएगा। क्या डिवीजन डी को सेल करना मैंडेटरी है और उसकी रेलेवेंट ट्रांसफर पॉलिसी ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है? डिवीजन सी इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द डिमांड फॉर डिवीजन डी बिफोर सेलिंग एक्सटर्नली। इसका मतलब ये मैंडेटरी है कि उसे डिवीजन डी की डिमांड पहले मीट करनी है। ट्रांसफर प्राइस जो सेट हुई हुई है वो सेट हुई हुई है फुल कॉस्ट प्लस 20% मार्कअप। तो यहाँ हम पहले ट्रांसफर प्राइस निकालते हैं कि सी डी से कितना चार्ज करेगा ट्रांसफर प्राइस, फुल कॉस्ट प्लस। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है सी की, वेरिएबल कॉस्ट हमें दी हुई है 0.04, फिक्स कॉस्ट को हमें पर यूनिट तक कन्वर्ट करना है, फिक्स कॉस्ट टोटल है 24,000 टोटल यूनिट्स कैपेसिटी के हैं दिस वन। तो यहां से हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाएगी पर यूनिट, और फिक्स कॉस्ट हमारे पास जो पर यूनिट आएगी तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पर यूनिट फिक्स कॉस्ट को, एंड दैट इज 24,000 डिवाइडेड बाय 40,000, ये बनती है 0.04, इसको प्लस कर दिया, टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 0.10, मार्कअप ऐड कर दिया, मार्कअप है 20%, सो मार्कअप ऐड करने के बाद ये बन जाएगी 0.12 पर आइटम, ये ट्रांसफर प्राइस हम चार्ज करेंगे। अच्छा, डिवीजन डी के पास सेलिंग प्राइस दी हुई है हमें, उसकी वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है एक्सक्लूडिंग दी ट्रांसफर प्राइस जो उसने रिसीव की है, कॉस्ट जो रिसीव करा डिवीजन सी से वो ट्रांसफर प्राइस है वो हमने कैलकुलेट कर ली है 0.12, फिक्स कॉस्ट हमें दी हुई है, नेट एसेट्स दिए हुए हैं, सेल्स वॉल्यूम जो आगे वो बेचेगा वो है 20,000 के हम स्टेटमेंट बनाते हैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर सी एंड डी। सबसे पहले तो हम उसकी सेल्स कैलकुलेट करेंगे, और सेल्स में हमारे पास इंटरनल सेल्स भी हैं और एक्सटर्नल सेल्स भी। तो सबसे पहले तो हम एक्सटर्नल सेल्स कैलकुलेट करते हैं। एक्सटर्नल सेल्स सी जो है वो एक्सटर्नल सेल्स कर रहा है 20,000 यूनिट,
और एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस है 130 पर 1000 कैन। तो सेल्स के यूनिट इसके एक्सटर्नल हैं 20,000, प्राइस है $130 पर 1000। तो ये प्राइस चार्ज होगी टोटल 20,000। तो टोटल हमारे पास जो एक्सटर्नल सेल्स होंगी 130 आ जाएगी 2600। सो टोटल एक्सटर्नल सेल्स थाउजेंड्स में हम लिख देते हैं। टोटल एक्सटर्नल सेल्स जो सी करेगा वो होगी 2600। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल सेल्स डी को करनी है उसकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 0.50 और सेल्स वॉल्यूम है 20,000। तो 20,000 इंटू 0.5 ये बनता है 10,000। ये डी की एक्सटर्नल सेल्स। इसी तरीके से इंटरनल सेल्स आएंगी। इंटरनल सेल्स सिर्फ सी के लिए हैं, तो सी इंटरनल सेल्स के अंदर 20,000 यूनिट्स बेच रहा है एट ट्रांसफर प्राइस ऑफ 0.12 एंड दैट बिकम्स 2.4 मिलियन। सो एज ए रिजल्ट इसकी टोटल सेल्स हो गई 5,000 और इसकी टोटल सेल्स हो गई 10,000। उसके बाद हमें कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी है। सबसे पहले तो हम वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करेंगे। इंटरनल वेरिएबल कॉस्ट और एक्सटर्नल कॉस्ट। इंटरनल कॉस्ट अच्छा यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट इस्तेमाल हो रही है तो हम टोटल 40,000 यूनिट्स बना रहे हैं और वेरिएबल कॉस्ट हमारी है पर यूनिट को बेचने की बनाने की वेरिएबल कॉस्ट है 0.04। तो 40,000 इंटू 0.04 ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है सी डिवीजन की, जो कि हम एक्सटर्नल सेल करने के लिए हमने ये बनाई। उसके बाद डी डिवीजन 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो उसकी अपनी वेरिएबल कॉस्ट है वो 0.15 है और ट्रांसफर प्राइस पर उसके पास 0.12 के ऊपर गुड्स आ रहे हैं। तो 20,000 इंटू 0.12 2400। उसके बाद अदर वेरिएबल कॉस्ट जो कि डी इनकर्ड कर रहा है 20,000 यूनिट्स बनाने के लिए 0.5, सेलिंग प्राइस वेरिएबल कॉस्ट 0.15 3,000। उसके बाद हम इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे। फिक्स कॉस्ट सी की है 2.4 मिलियन और उसकी है 175। रेवेन्यू हमारे पास आ गए, वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास आ गई, सो टोटल प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है फॉर ईच डिवीजन। 5,000 में से 4,000 माइनस हुआ, 1,000 का प्रॉफिट। 10,000 में से 2400 3,1750 माइनस हुआ 2850। दोनों डिवीजन का हमारे पास प्रॉफिट है। अब इन दोनों डिवीजन का हमें ROI भी कैलकुलेट करना है और हमें इसका रेजिडुअल इनकम भी कैलकुलेट करनी है। तो ROI कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास प्रॉफिट होता है
हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट ओवर नेट एसेट्स। तो प्रॉफिट ओवर नेट एसेट्स इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट हमारे पास सी डिवीजन की है, नेट एसेट्स 4 मिलियन के। सो 1000 ओवर 4 मिलियन, सो दैट बिकम्स 25%। यहाँ प्रॉफिट है 2850 ओवर नेट एसेट्स। इनके नेट एसेट्स हैं 12650, और इनका आंसर बनता है 23%। सिमिलरली रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करनी है, RI। रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बनता है प्रॉफिट माइनस इम्प्यूटेड इंटरेस्ट। उसके लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सवाल में दिया हुआ है 7%। सो एज ए रिजल्ट प्रॉफिट 1000 नेट एसेट को इम्प्यूटेड इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो रेजिडुअल इनकम आएगी वो होगी 720। यहाँ पर प्रॉफिट है 2850, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट निकाल लें 12650 मल्टीप्लाई बाय 7%, तो हमारे पास जो रेजिडुअल इनकम आएगी वो होगी 1964.5। सो एज ए रिजल्ट हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेट कर लिया और रेजिडुअल इनकम भी हमारी कैलकुलेट हो गई।